हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा, अगर आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, आप अगर रियलमी का फ़ोन यूज कर रहे हैं या फिर अदर किसी ब्रांड का लेटेस्ट स्मार्टफोन लिया है, तो आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, स्विच ऑफ करने में दो प्रॉब्लम्स आएगी। पहला तो आपका गूगल का असिस्टेंट ओपन हो जाएगा, अगर आप पावर बटन प्रेस कर रहे हैं तो उसे नो कर देना है। उसके बाद आप पावर बटन प्रेस किए रहेंगे तो आपका स्विच ऑफ हो जाएगा। मगर कुछ लेटेस्ट डिवाइस में अभी क्या आ गया है कि आपको पावर बटन के साथ वॉल्यूम अप की प्रेस करना होगा, तभी आपका फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो पाएगा। अगर आप केवल वॉल्यूम बटन प्रेस करते हैं या केवल पावर बटन प्रेस करते हैं तो आपका फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होगा, जिसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन आपको कम से कम 5 से 7 सेकेंड तक प्रेस करना है, उसके बाद आपका स्विच ऑफ का ऑप्शन शो करेगा। या फिर कुछ फ़ोनों में दूसरा ऑप्शन भी है, आप वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन 5 से 7 सेकंड या आप 10 से 15 सेकंड मैक्सिमम टाइम होता है। तो कुछ फ़ोनों में वॉल्यूम अप के साथ है पावर बटन, कुछ फ़ोनों में वॉल्यूम डाउन के साथ है, आपको प्रेस करना होगा, स्विच ऑफ का ऑप्शन शो कर जाएगा। ये आपकी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है, जैसा कि आपका फ़ोन गिर जाता है उस कंडीशन में कोई भी उसे पाता है स्विच ऑफ कर लेता है। मगर अभी क्या है कि आपके फ़ोन में डेटा चालू है, आपका फ़ोन गिर गया है, कोई भी उसे स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा नॉर्मल फ़ोन की तरह, जैसे कि अगर वो चाहता है, चूँकि बैटरी इनबिल्ड होती है कोई निकाल नहीं सकता तुरंत ही, तो अगर वो व्यक्ति जो पाया है उसे इतनी नॉलेज नहीं है कि स्विच ऑफ कैसे करना है, नहीं कर पाता है, तो आप अपने फ़ोन को ट्रैक कर सकते हैं। मैंने इसका वीडियो पहले भी बनाया है, आपको चाहिए तो मैं लिंक भी दे दूंगा, कमेंट करिएगा। आपके फ़ोन में डेटा चालू है तो आप इसे ट्रैक कर सकते हैं, फाइंड माई डिवाइस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपना जी मेल आई डी पासवर्ड डाल के उस पर रिंग भी कर सकते हैं, फ़ोन फॉर्मेट भी कर सकते हैं, तो ये सारी ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो और आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।